हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। सो गाइस आज पड़गा में हूँ मैं और अल तवक्कल गोट फार्म का शूट कर रहा हूँ। माशाल्लाह यहाँ के कुछ बकरी दिखाएंगे, गुजरी बकरे, अच्छे कलरफुल बेहतरीन बकरे इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो पूरा देखे, आखिर तक देखे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक कर ले और शूट के रिगार्डिंग कोई इंक्वायरी है तो जिब्रान भाई या इनके फार्म का जो भी नंबर इनके पास यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा आप लोग इनसे डायरेक्ट मेरा नंबर ले सकते हैं और डायरेक्ट मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फेरे थे भाई? अल्हम्दुलिल्लाह सर। माशाल्लाह सोजत और गुजरी, गुजरी का एक अलग ही मजा है भाई। हाँ हाँ माशाल्लाह अट्रैक्ट करते हैं बकरे, अट्रैक्ट करते हैं माशाल्लाह। ये देखो चीजें देखो माशाल्लाह, वाह। पहला बकरा देखो आप, क्या डिटेल पर है भाई ये? एक मोटा मोटी हिसाब बताते, डिटेल बताते अपन। हाँ। पूरे लॉट की बताते, चलो पूरे लॉट की मैं बताऊं तो इसमें ना अपने पास में 74 केजी से लेकर के 114 115 किलो तक का बकरा है अपने पास में। 114 वाला मेरे को एक बकरा दिखाओ, ये सामने खड़ा लग रहा है मुझे। हाँ है ना, ये मतलब 116-118 पे था अगर मेरी याददाश्त सही हो तो। माशाल्लाह ठीक है। ये देखो, ये देखो 64 नंबर बकरा माशाल्लाह। क्या क्या वेट पर अंदाजा? ये 85 के करीब में होना चाहिए सर इंशाल्लाह। इनका वेट वगैरह ट्रैक कर रहे हो क्या आप रेगुलर? हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल रेगुलरली ट्रैक। ये वाला लॉट कब आया है? ये वाला लॉट अपने को आके ज़्यादा टाइम नहीं हुआ लेकिन फिर भी मैं बोलूँ तो 3 हफ्ता तो हुई गया। काफ़ी है ना बकरे? हाँ, सेट करने के सेट लिए तो बकरे पूरे हैं समीर भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा कोई नहीं है कि बकरा सेट नहीं है। हाँ हाँ पूरे बकरे सेट है। बकरा देखो आप माशाल्लाह 116 किलो जो बता रहे हो वो है? हाँ शायद ये वही वाला है। अगर इसका नंबर क्या है? इसका नंबर कहाँ गया इसका नंबर? क्योंकि ब्राउन बकरा है ना, इस पर नंबर मारना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। नंबर लगा ही नहीं है। हाँ कान पे ना 44 नंबर, 14 नंबर है। ठीक है 14 नंबर, 14 के 44 14 नंबर है, 14 नंबर का बकरा है वो। ठीक है इसके ऊपर का है नंबर? इसके ऊपर नहीं है, ये अपने पलाई अपना पलाई अपने पास ही पलाई पे था, अपने कस्टमर का है, उनको निकालना है अभी। जी बहुत अच्छे। हाँ माशाल्लाह। अच्छा दांतों पे क्या होगा ये पूरा लॉट? ये पूरा लॉट सबीर भाई इसमें एक से दो जो बकरे हैं वो दो दांत पे, ठीक है बाकी सब 4, 6, 8 ज़्यादातर। माशाल्लाह 13 नंबर का बकरा, 13 नंबर का बकरा। आप देखो बकरे की खूबसूरती देखो, वाह। 6 दांत पे कलरफुल बकरे माशाल्लाह। अंडूल, ये एक अंडूल घुसा हुआ है इसमें भाई, लेट पंच है चीज है लेकिन इसका वजन भी 70 किलो। हाँ। जी वाह ठोस बकरा है, ठोस बकरा है। 57 नंबर अंडूल का शौकीन दो दांत का बकरा है। पलटी मारो इसको इंशाल्लाह मजा दे देगा। लाओ दूसरा बकरा दिखाते। एक बकरा और मेरी नजर में आया था यार, कौन सा वाला? ये सामने दिखाओ, ये 56 नंबर वाला बकरा। 56 नंबर वाला दिखाया ना आपने पहले? दिखाया। हाँ ये वाला दिखाया पहला, ये दिखा है। एक बकरा और अच्छा दिखा था। हाँ नहीं रुक जाओ, वो दिखा दिए, वो दिखा दिए। एक ये बड़ा पकड़ो तुम्हारे पीछे जिब्रान भाई, ये तुम्हारे सामने से बकरा। मेरे को लग रहा है 116 वाला ये है। हाँ ये हो सकता, ये वाला हो सकता है। हाँ ये बड़ा बकरा है, ये 116 वाला मेरे अंदाज से तो नहीं होगा, ये वाला 116 का है। हाँ है ना, नंबर क्या गया यार? अरे नंबर इसका क्या नंबर है? इसका नंबर है 24 नंबर। जी जिब्रान भाई थोड़ा बकरे को फ्रेम पे खड़े करो। हाँ 24 नंबर दिख रहा है उसके उसके गले पे। वाह माशाल्लाह, ये देखो ये 116 वाला ये है भाई। हाँ। वो हम लोग को कंफ्यूजन हो गया उस बकरे में, वो बकरा 116 पे नहीं होगा पर वो 100 प्लस ही है सभी। पर वो बकरा 100 प्लस होगा। हाँ। और इंशाल्लाह आप जब आओगे तो कांटा करके जो भी रहेगा सब ट्रांसपेरेंसी से होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल है ना, 61 नंबर का दो दांत पे, अभी तीसरा श्रोता फ्रेश किया है। 61 नंबर दो दांत तीसरा श्रोता फ्रेश कर रहा है माशाल्लाह। ये कितने बकरे हैं टोटल जिब्रान भाई? ये अपने पास में 12-15 बकरे हैं समीर भाई, 12 से 15 बकरे हैं गुजरी जी, में जी। ये कितने बकरे लाए थे? सिर्फ 12? थोड़ा ही लॉट लाए थे, छोटा ही लॉट लाए थे, छोटा ही लाए थे जी माशाल्लाह। छोटा ही लॉट लाए थे, अच्छा लॉट है जी, खूबसूरत है। अगर आप वो देखो वो दो बकरे और हैवी वाले भी है लेकिन वो सोल्ड हो गए तो इसलिए अपने अलग रखे उसको माशाल्लाह। दोनों बकरे सोल्ड आउट हो गए जी जी जी, सही है। अच्छा इनमें स्कीम वही है पलाई वाली? इसमें भी पलाई वाली, इसमें भी है, इसमें भी समीर भाई लेकिन दो रेट है। अभी जैसे 85 केजीज तक का जो बकरा है अपने पास में वो अपन देंगे 575 से, उसके ऊपर का ठीक है, अब वो 116 निकले 118 निकले जो भी निकले उसका अपन देंगे 650 रुपीज़ से। ओके 100 किलो के ऊपर का बकरा, 85 के ऊपर का बकरा 650 रुपीज़ जी, 85 के नीचे बकरा 575 जी माशाल्लाह। ठीक है, और ज़्यादा बड़ा लॉट नहीं है, छोटा लॉट है और
एक से एक नगीने बकरों का लॉट है, मतलब 25 बकरे बताए ना, हाँ कितने 20 रहेंगे समझो, 20 मान के चलो, हाँ। लेकिन 20 के 20 में आप नाम नहीं रख सकते, ऐसे बकरे हैं माशाल्लाह, क्वालिटी है, सेट बकरे हैं और क्लाइमेट को सेट हो चुके हैं, दाने पे सेट हो चुके हैं, पलाई फ्री वाली स्कीम इसमें, पलाई फ्री वाली टिल ईद, ईद तक पलाई फ्री जी, ठीक है। जो भी बकरे यहाँ से बिक रहे हैं वो पीछे शिफ्ट हो रहे हैं पलाई पर, ठीक है। माशाल्लाह काफी बकरे बिक चुके, देख लो आप लोग, हाँ ये बकरे भी बिक जाएंगे, बीच में भी दो बाड़े हैं, माशाल्लाह बकरे बिक जाएंगे भाई, फटाफट बकरे लो इंशाल्लाह। अच्छा जो माल बचा है वो भी अच्छा ही बचा है, हाँ हाँ क्वालिटी का माल बचा है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वो छटा हुआ माल छटा ऐसा हुआ नहीं है, ऐसा क्योंकि भाई जो माल लिया गया है वो ऑलरेडी छटा हुआ ही था, क्वालिटी हाँ, वाला ही लिया है तो हम लोग नहीं छाट के लाए, हाँ माशाल्लाह। हर साल ध्यान रखा है क्वालिटी को, क्वालिटी को लोगों को क्वालिटी बकरा देते हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर भी आते हैं भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह क्वालिटी का हम लोग ने वो ध्यान रखा अल्हम्दुलिल्लाह। ये साल अपना तीसरा सीजन है ना इस जगह पे कि दूसरा, इस साल दूसरा दूसरा सीजन है, दूसरा दूसरा माशाल्लाह दूसरा सीजन है और कंटिन्यू अल तवक्कल गोट फार्म, पहले तो ऑन एंड ऑफ रहते थे, साल भर में एक ही बार वीडियो आती थी जी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल काफ़ी वीडियोस आई है, एमएसक्यू व्लॉग्स पे भी काफ़ी वीडियो आई है जी, ज़्यादातर एमएसक्यू व्लॉग्स पे ही आई है जी, है ना, तो एक्टिव है और पलाई का काम भी कर रहे हैं कंटिन्यू। आगे क्या अगले साल के लिए पलाई वगैरह का क्या प्लानिंग है? पलाई है ना समीर भाई, क्या ले रहे हैं पलाई अगले साल के लिए? अपन 3,000 लेंगे खस्सी का और 3,500 लेंगे अंडुल का, 3,500 अंडुल का, 3,000 खस्सी का, कोई भी वेट का बकरा आने दो, ऐसा कोई भी आने दो, अगर एकदम कम रहेगा बकरा छोटा रहेगा ठीक है खस्सी में तो अपन 2,500 रुपए ले लेंगे, जैसे 60 किलो के अंदर का है तो 2,500 लेंगे, 60 किलो से ऊपर जाएंगे तो 3,000 लेंगे। अच्छा अंडुल के केज वगैरह आपके पास नहीं है तो कोई केज वाली रिक्वायरमेंट आती है तो फिर क्या करेंगे? तो अपन अपना कैसा है ना समीर भाई, अपन खूटे पे रखते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अपना रिजल्ट है, तो केज अपने पास कॉन्सेप्ट ही नहीं रख रहे हम लोग अभी, नहीं है फिलहाल नहीं है, पर इंशाल्लाह अगर रिक्वायरमेंट आएगी तो बनाएंगे इंशाल्लाह जी, ठीक है। तो पलाई का रेट भी अच्छा है और पलाई भी अच्छी है इनके पास जी, हमने साल भर इनके बकरे शूट किए, दिखाए भी आप लोगों को, ठीक है। अल तवक्कल गोट फार्म अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो इंशाल्लाह एमएसक्यू व्लॉग्स पे ही आपको काफ़ी वीडियोस मिलेगी, बिल्कुल, और बिल्कुल। अलग अलग चैनलों पे भी बहुत बनी है लेकिन ज़्यादातर हमारे चैनल पे वीडियो है, आप देख सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल समीर भाई। और माशाल्लाह भरोसे का काम कर रहे हैं, सालों से बने हुए हैं और सारे दोस्त यार मिलके काम कर रहे हैं, ये हाँ, एक बड़ी बात है, हाँ, है ना जी, कि ये लोग भी 4-5 दोस्त है मिलके शौक को बढ़ावा शौक दे रहे, को बढ़ावा दे, थोड़ा 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 सबका कंट्रीब्यूशन है, थोड़ा 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 सब अपना शौक कर रहे हैं, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। सही है ना, तो 475 रुपीज़ तक और अबव 85 kg 650 रुपीज़ पर kg हो जाएगा जी, और 100 रुपये पर डे की पलाई रहेगी लेकिन फ्री है वो फ्री, हाँ सॉरी सॉरी, 100 रुपये पर डे की पलाई जिनसे लेनी थी उनसे लिए, हाँ, अभी ये कस्टमरों से नहीं लेंगे जी, ठीक है उनको, लेकिन बेस्ट डील दिए होंगे इंशाल्लाह, बेस्ट डील, हाँ जी बिल्कुल सही है। तो भाई ये वीडियो क्लोज करते हैं, नंबर स्क्रीन के ऊपर मैं इनके फार्म का जो है वो दे दूंगा जी, आप लोग आओ देखो पसंद करो उसके बाद सौदा करो। एक बार टाइमिंग बताओ ना, क्या टाइमिंग होता है अपना टाइमिंग समीर भाई? वैसे तो अपना फार्म खुला ही रहता है ठीक है, अर्ली मॉर्निंग जैसे धूप का टाइम अभी भी है थोड़ा तो अवॉइड करना, और रात में जैसे 11-12 बजे के बाद कस्टमर्स आएंगे नहीं तो बेहतर होगा कि हम लोग गेट भी बंद कर देते हैं, क्योंकि बकरे भी थक जाते हैं आदमी भी थक जाते हैं, और अपना ऐसा नहीं है कि भाई चलाते ही रहो, वो वाला मामला नहीं है, तो रात में अवॉइड करना, 10 बजे या 12 बजे के बाद मत आना, बस इस वीकेंड में आ सकते हैं, हाँ इस वीकेंड अब क्योंकि अपना है सैटरडे संडे तो इंशाल्लाह हम है अवेलेबल, आप आइए, आप आओ कॉल करो कभी भी आओ, हम लोग यहाँ पे, ठीक है जी। चलिए तो ये वीडियो क्लोज करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह अल्लाह हाफिज़।